शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कैसी हो राधा? ठीक हो? तुमने मीना का खून किया है? क्या तुमने मीना का खून किया है? हम जानना चाहते हैं राधा, कि तुम अपने आप को गुनाहगार समझती हो या बेगुनाह? लो मामी, पानी पी लो। लो बेटी, ऐसा लगता है
मेरा दम ही लेके जाएगा। ऐसा मत कहो मामी, तुम ठीक हो जाओगी। आज मामा तुम्हारे लिए जरूर दवा लाएंगे। नहीं बेटी, जो आदमी अपनी मासूम बच्ची के लिए रोटी नहीं ला सकता, वो मेरे लिए दवा क्या लाएगा? मामा, मामी के लिए दवा लाए, देखो उनकी तबीयत कितनी खराब है। बिटिया बस आज का दिन गुजार, कल से सबकी तबीयत ठीक हो जाएगी। पांच रुपए, घर में पीतल का एक ही बर्तन बचा था, उसे बेच के। ये तूने बहुत अच्छा किया। अरे इसमें तो तेरी दवा और बच्ची का खाना दोनों ही आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे। ये नोट मुझे दे दीजिए, दे दीजिए ना बेटी। तू ये नोट इनसे ले ले और तू ही दवा और बच्ची का खाना ले, वरना ये इनके भी दारू पी जाएंगे। दे दो मामा। अरे भगवान, मैं कमीना जरूर हूँ, पर इतना नहीं कि बच्ची के खाने और तेरी दवा के पैसों की दारू पी। बस समझ ले, यूं गया और यूं आया। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बापू खाना लेके कब आएंगे? मुन्नी, मामा खाना लेकर आते ही होंगे। देर, एक नाड़ा गाड़ देना। रोकड़ा है? नहीं। तो फूटो यहाँ से। दादा बेटे, अब हम ये शहर ही छोड़ देंगे। यहाँ का हर आदमी पॉकेट मार हो गया है। कैसे मैं घर से बाहर निकला, किसी ने मेरी जेब साफ कर दी। देख, मेरी कटी हुई जेब और उसमें से झांकती हुई उंगलियां अभी तक तेरे मामा का मजाक उड़ा रहे हैं। झूठ क्यों बोलते हो मामा? साफ क्यों नहीं कहते कि तुमने इन पैसों की दारू पी ली है? तुम्हें इस बच्ची पर भी दया नहीं आई? मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था बेटी। अबे और ठेकेदार कौन है बे? अबे विलायती दे। अरे लगता है कई दिन में ही आज मार लिए हो। विलायती के लिए पैसे चाहिए, पैसे। अबे चुप, ये देख आज सब साइज के नोट हैं, निकाल विलायती। और ये ले अपने पुराने हिसाब के खाते में से मेरे नाम का पन्ना फाड़ दे। शांति, अरे राधा बिटिया, ये देख शांति, ये बच्चों के लिए खाना, फ्रूट, तेरे लिए दवाइयां और ये मैक्सी राधा बिटिया के लिए। तुम लोग मुझे कमीना, निकम्मा, जलील और न जाने क्या क्या कहकर बुलाते थे, लेकिन आज चल मैं थोड़ी सी पी लूं। मामा, तुम्हें नौकरी मिल गई है? अरे बेटे, नौकरी तो छोकरी को मिलती है, और वो तुझे मिल गई। सच मामा? बिल्कुल सच। ये देख 500 रुपए एडवांस, 1000 रुपए महीना मिला करेंगे। बस तू बेटे जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ चल। चल, आज तेरी रात की ड्यूटी है। मैं भी तैयार हो गया था। आओ बेटे, आओ आओ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सर। नमस्ते। ये है मेरी भांजी राधा। हाँ तो मिस राधा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ सर। मैं तो इसे डॉक्टर नहीं बनाना चाहता था सेठ जी, लेकिन इसकी पढ़ाई में मेरी गरीबी बिल्ली की तरह रास्ता काट गई। अब मैं इस मासूम कली को आपके हवाले कर रहा हूँ, इसे कुछ खुशियाँ देकर फूल बना दीजिए। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाए अगर इसने हमारी बात मानी। एक बार भगवान को नाराज कर सकती है मेरी बिटिया राधा, लेकिन सेठ जी आपके दिल को कोई चोट नहीं लगने देगी। हाय, हम तो पहले से ही दिल के मरीज हैं। अब आप जी जी, मैं तो खुद ही जा रहा हूँ सेठ जी। नमस्ते बिटिया, यही करना जो सेठ जी कहें। मुझे क्या काम करना होगा सर?
काम तो मजबूर और मस्तूर किया करते, हमारे गरीब आ जाओ ताकि अमीरी और गरीबी का फासला मिट जाए। जी मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब नहीं समझी? सर आपको क्या हुआ? सर बहुत दर्द, कम घुटने जा रहा। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, कोई समझ, यह दिल का दौरा तब हमारी जान के साथ ही जाए। तुम जरा अपने हाथों से हमारा सीना सर। सर अब कुछ आराम आया? आराम तो तुम्हारे खूबसूरत हाथ लगते ही मिले, अब तुम्हारी सांसें हमारे इलाज करेंगी। जी नहीं, कभी नहीं। कैसे तुम्हारे इस खूबसूरत बदन की कीमत मैं तुम्हारे मामा को दे? नहीं, मामा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई बिटिया? सब खैरियत तो है? अरे कहीं तुझे नाराज होकर सेठ जी ने नौकरी से तो नहीं निकाल दिया? नौकरी की आड़ लेके तू अपने पाप को मत छुपा मामा। ये क्यों नहीं कहता कि तू मेरे जिस्म का सौदा करके आया था? सौदेबाजी और लेन देन में सब कुछ चलता है। कल तक हमने अपने आप को बेचकर तुझे पाला था, आज अगर तू खुद को बेचकर हमें पाले तो इसमें हर्जी क्या है? कुछ तो शर्म कर, मैं तेरी बेटी की तरह हूँ। अरे मामा तेरे नाम के साथ तो दो बार माँ माँ आता है, एक माँ की तो लाज रखनी होती। उसी माँ की तो लाज रख रहा हूँ जो तुझे इतना सा छोड़कर मर गई। मैंने तुझे पाल पोस कर बांस की तरह लंबा किया, नवीं क्लास तक अंग्रेजी पढ़ाई, मैं नुकसान उठाता रहा, अब नफे का वक्त आया है तो ब्याज के साथ वसूल करूंगा। चल मेरे साथ। नहीं मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, चाहे तू मेरी जान भी ले ले। देखता हूँ जाएगी कैसे। नहीं मामी, मामी मुझे मत जानो, ये मेरी इज्जत का सौदा करके आया है। खबरदार जैसे हाथ लगा। अरे हट, अरे मैं कहती हूँ इसे क्या बचा, नहीं बचा सकता। माफ करना शेख जी, बच्ची अभी नादान। मामा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत का सौदा मत करो। सौदा नहीं करूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। मैं तुम्हारी भूख के लिए 10 घर के बर्तन मांजूंगी मामा। बर्तन मांजेगी तो हाथ काले हो जाएंगे। हाथ काले हो जाने दो मामा, मेरा मुंह काला मत करो, मुझे यहाँ से ले चलो। चुप कर बेटी, जब तक ये आपकी बात नहीं मान लेती मैं दरवाजे के बाहर इंतजार करता हूँ।
का 10 पैसा लगेगा। 10 पैसे? टैक्सी हवा किलो। क्या हुआ, क्या हुआ आपको? घबराई नहीं, आइए आइए रेस्टोरेंट में चले। लीजिए ना। तो आप मुंबई काम की तलाश में आई हैं और काम आपको मिला नहीं? जी नहीं। मिलेगा भी नहीं? जी, लेकिन आप क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट हवाई जहाज की कंपनी में पायलट हूँ। चल लीजिए ना। हाँ विक्की पापे, यारे सोनी चीज कुछ ले आओ, तेरा साड़ा भी तारुफ करा दो। आपकी बहन है, मिल लीजिए। यार बिगड़ना क्या है, कम ऑन डार्लिंग। कौन है ये? एक अमीर बाप का आवारा बेटा जो हर रोज मजबूर लड़कियों की तलाश में रहता है। हर छोड़िए, मान लीजिए आपको काम मिलने में कुछ दिन और लग जाए तो आप रहेंगे कहाँ? किसी धर्मशाला में। धर्मशाला? बड़े बड़े होटलों में जहाँ 500 रुपए का कमरा होता है वहां भी लोगों को जगह नहीं मिलती, और फिर धर्मशाला जहाँ लोग बिन पैसे के रहते हैं। क्या आप समझती हैं आपको वहां जगह मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो फिर मेरी मेहमान बनकर मेरे घर आइए। जी, आपके घर? जी, मेरे घर। आपके घर में और कौन कौन है? आपने मुझसे पूछा था ना कि मेरे साथ और कौन कौन रहता है? जी। तो फिर इनसे मिलिए, ये है टेलीफोन, आइए। और ये मेरे राम जी। डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, आइए। सोफा, पर्दे, आइए ना। और यह है मेरी छोटी सी बगिया और इसके महकते फूल, आइए। और यह अरब सागर और इसके बेशुमार जहाज, आइए। और ये है छोटा सा झूला, आइए ना। ये है मेरा बेडरूम, ये बेड और ये मैं और ये आप। समझ गई। क्या यही क्या आप अकेले रहते हैं? जी हाँ, इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं। जी, आप जो आ गए। दादाजी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, आपको भूख लगती है? जी हाँ लगती है। क्या खाइएगा? जो आप खिला दें। फिर देखिए मेरे हाथ का कमाल, क्या खाना बनाता हूँ मैं। खाना आप बनाते हैं? हाँ, मुंबई में नौकर और मकान बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं। कोई बात नहीं, आज मैं खाना बना देती हूँ। आप मेरी मेहमान है, आज है और कल चली गई तो? कल की बात कल पे छोड़ दीजिए। छोड़ देते, आइए। वाह वाह, सारे खाने को चटनी ओवरटेक कर गई। आई दूर राधा जी, ये चटनी बनाना आपको किसने सिखाया? करीबी ने। भाई दूर राधा जी, आप कभी हवाई जहाज में बैठी हैं? जी नहीं, हवाई जहाज की आवाज सुनते ही मेरा दिल धड़कने लगता है। बड़ा नाजुक है आपका दिल, इसको मजबूत करने के लिए आपको एक दिन अपने साथ ले जाऊंगा। कहाँ? आकाश की उन बुलंदियों पर जहाँ आपको अपनी गरीबी का एहसास था। वाह, खाना अच्छा हो तो नींद भी बड़ी अच्छी आती है। चलिए आपको सोने की जगह दिखा दो, आइए ना। यह आपके सोने की जगह,
ओहो, इतरौन बादे। क्या? आपके पहनने के लिए कपड़े मेरे घर में हैं। अरे हाँ है, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसे मर्द और औरत दोनों पहन सकते हैं, और वो है लुंगी कुर्ता। आइए। ये लीजिए लुंगी कुर्ता, और आप आराम कीजिए। और आप कहाँ सोएंगे? मैं बाहर हॉल में। गुड नाइट। विकी बाबू, गुड नाइट। गुड नाइट। कमरे में बंद सोनिए तुझे जिस घर रब ने बनाया, ते सोचा विच रब पे गया दूजा चांद कहाँ से चढ़ आया। हो कमरे में बंद सोनिए तुझे जिस घर रब ने बनाया, ते सोचा विच रब पे गया दूजा चांद कहाँ से चढ़ आया। हो कमरे में बंद सोनिए के मेरा। देखो यार मेरे घर आया, ते सोचा विच रब पे गया दूजा चांद कहाँ से चढ़ आया। हो कमरे में बंद सोनिए कहीं अब जान न दूंगा, गैर को हाथ लगाने न दूंगा। ओए 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 ओए, तुमको कहीं अब जान न दूंगा, गैर को हाथ लगाने न दूंगा, लगाने न दूंगा। देखा है जब से तुम्हें मैंने सपना यही है सजाया, ते सोचा विच रब पे गया दूजा चांद कहाँ से चढ़ आया। हो कमरे में बंद सोनिए तुझे जिस घड़ी रब ने बनाया, ते सोचा विच रब पे गया दूजा चांद कहाँ से चढ़ आया। हो कमरे में बंद सोनिए ठीक है। विकी बाबू, चाय पी लीजिए।
गुड मॉर्निंग। चाय? आपने तकलीफ क्यों की? तकलीफ तो आपको ही मेरी वजह से रात भर। वैसे आप गाते बहुत अच्छा है। राम 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 जी, सुना आपने? मैं गाता बहुत अच्छा हूँ। तो आप राम जी के पुजारी हैं? जी। मगर इनके साथ इनकी सीता जी क्यों नहीं है? मैंने राम जी को साफ साफ कह दिया कि जब तक मुझे मेरी सीता ना मिली तब तक मैं इनकी सीता को भी नहीं लाऊंगा। तो आप शादी करके इनके लिए सीता जी क्यों नहीं ले आते? ठीक कहती हैं। तो फिर आप तैयार हो जाइए। जी देख रहे हैं। राधा जी, आपको देखकर मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने राम जी के लिए सीता ले आऊं। क्यों? इसलिए कि मुझे मेरी सीता मिल गई। कहां है आपकी सीता? मेरी आंखों के सामने। नहीं विकी बाबू, मैं आपके काबिल नहीं हूं। आप राम जरूर हैं, मगर मैं सीता नहीं। क्यों? क्या सीता एक औरत नहीं थी? औरत जरूर थी, मगर उसे भी अपनी पवित्रता का सबूत देने के लिए अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ा था। आप उस सीता से आज की इस लूटी हुई राधा को मत मिलाइए। विकी बाबू, मैं बिक चुकी हूं। मेरा सौदा खुद मेरे मामा ने कर दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मेरी चीखों का गला घोट दिया गया। अब इस राधा के मैले आंचल में आपको सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। गंदगी मन से होती है, तन से नहीं। गंगा में नहाने वाले लोग गंगा में अपनी गंदगी छोड़कर खुद पाक हो जाते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं गंगा नापाक हो गई। आज से मेरी नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है राधा जी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ जी। हाँ क्या हुआ? ये सब शादी के बाद। बस ये बात है तो फिर देर किस बात की? चलो पंडित के पास शादी का मुहूर्त निकलवाने। कब? विकी बाबू, तुम्हारी कुंडली और कन्या की हस्तरेखा देखने के बाद ज्योतिष विद्या के आधार पर 9 अगस्त की शादी का शुभ मुहूर्त निकलता है। लेकिन पंडित जी, 9 अगस्त को अभी 1.5 महीना पड़ा है। राधा, मैं इतने दिन तुमसे कैसे दूर रहूंगा? पंडित जी, कुछ कीजिए ना, प्लीज। विकी बाबू, तारा डूबा हुआ है और शादी जीवन में सिर्फ एक ही बार होती है और उसके लिए शुभ घड़ी का होना बहुत जरूरी है और वो शुभ घड़ी सिर्फ 9 अगस्त को ही है। लेकिन पंडित जी, हमने तो 1-2 दिन में हनीमून का प्रोग्राम बनाया था, है ना राधा? राधा रुको ना, मैं 1 मिनट में आया। अच्छा, ये लो पंडित जी आपकी फीस। इसे डबल कर दो। क्यों? पिछली शादी का मुहूर्त उधार निकलवाया था, भूल गया क्या? आज से बात करो पंडित जी, अपन छूट जाएगा। ये लीजिए। अगली शादी का मुहूर्त कब निकलवाओगे? इसको जलवा दिखलाया और अगली के लिए आया। हेलो विक्रम, विकी कपूर की गल है पापे? आजकल तुसी मुगल महल नजर नहीं आंदे, ताड़ा की हाल है सोनियो? कमल बाबा, लेट्स गो।
एक दिन मैं तुझे हवाई जहाज में बिठाकर पढ़ा ले जाऊंगा। उठिए, कितनी सुबह हो गई है, उठिए। सुबह तो रोज होती है डार्लिंग, थोड़ी देर और सो जाओ। नहीं, उठो, छोड़ मेरा हाथ। अच्छा, एक शर्त पर। क्या? एक पप्पी और एक कप चाय। पप्पी वप्पी कुछ नहीं, सिर्फ एक कप चाय। छोड़ो ना। क्या सोच रहे हो राधा? मैं सोच रहा था कि तुम्हें पाकर ऐसा लगा जैसे जिंदगी की हर कमी पूरी हो गई। और मुझे लगा जैसे भगवान ने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया हो। तो फिर इसी बात पे दे दो एक पप्पी। पप्पी नहीं, चाय। लो। झूलेलाल झूलेलाल, ये मकान मालिक कहां से आ गया? घर में है क्या? कौन ये है? है, पकड़ो, लगा दो। झूले लाल झूले लाल, अरे किधर अभी की सेठ दिखाई नहीं देता अपने घर में? अरे साईं सेठ, झूले लाल झूले लाल, कैसा है साईं सेठ? भगवान का मेहरबानी तो है ना सब। आइए अडवाणी साहब। ठीक है भाई। राधा, अडवाणी साहब के लिए कप चाय। अच्छा। अरे विकी सेठ, तुम तो बोलता था तुम अकेला रहता है, ये छोकरी का चक्कर क्या है? कैसे आना सेठ जी? अरे विकी सेठ, तुम तो बोलता था कि हर महीने की पहली तारीख को भाड़ा देगा, आज तो 6 तारीख हो गया ना। तारीखें तो बदलती रहती है सेठ जी, जरा आहिस्ता बात कीजिए। बोली कितने रुपए दे दो? अरे दे दो ना भाड़े का 1000। 1000? इतनी मामूली रकम के लिए आपने क्यों तकलीफ उठाई? कम से कम हमारी औकात देखकर तो बात की होती। तो फिर दे दो नी 5000। ओहो सेठ जी, तो फिर अपनी औकात देखकर बात की होती। अरे बड़ी साईं, ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं, औकात औकात में हाथ खाली जाता है ना। हाथ खाली नहीं जाएगा सेठ जी, आइए। ये लीजिए चेक, दस्तखत मैंने कर दिया, रुपए भर लीजिएगा अपने औकात देखकर। अरे ऐसा सेठ तो हमने बहुत कम देखा है, मगर सिंधी का बच्चा हमेशा सच्चा। तुम चिंता मत करो, हम इसमें फर्नीचर का, फ्रिज का और घर का भाड़ा भरेगा। झूले ला झूले 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 ला झूले। सेठ जी कहाँ ले चले? अरे पूजा करता है ना, झूले ला झूले लाल। अरे कहाँ चले गए? चले गए, लाओ चाय मैं पी लेता हूँ। कौन थे ये? जोरी, 9 तारीख को अपनी शादी है ना, गहनों के ऑर्डर दे दिए। कलिंग देखो कौन है। आइए तोलाराम जी आइए। दादा जरा इनके लिए एक कप चाय। आप अच्छे मौके पे आए तोलाराम जी, 9 तारीख को हमारी शादी है, जरा ही शक्कर चावल वगैरह वगैरह भिजवा दीजिए। वो तो ठीक है, मगर पिछला 970 रुपया तो दे दो। वो भी दूंगा, जरा 600 रुपये कैश दे दीजिए। क्या 600 रुपये कैश? पिछला दिया नहीं, ऊपर से 600 रुपया और मांग। तोलाराम जी, 2-3 दिन में हमारी शादी होने वाली है, और ऐसे मौके में काम आना अच्छे इंसान का फर्ज है। अच्छे इंसान का फर्ज, इंसानियत की बात है। आया था लेने, देने पड़ेगा, पिछला निकालने के लिए और देना ही पड़ेगा। 5-6 देखो, 1 हफ्ते में दे देना। हाँ जरूर दे दूंगा। शादी मुबारक। हाँ मुबारक। ये भी चले गए? चले गए। और चाय? चाय कैंसिल डालेंगे, खाने की तैयारी कीजिए। ओके। विकी बाबू, नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। लगता है टेलीग्राम आ गया। विकी, तुम्हारा नाम टेलीग्राम है। पढ़ो तो किसका? तुम्हें फॉरेन ड्यूटी पर बुलाया है, टॉप ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कैसे हो सकता है? अभी तो मेरी 10 दिन की छुट्टियां बाकी है और कल तो मेरी शादी है।
नौकरी छूटती है तो छूट जाए, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा। ऐसा मत कहो विकी, ये तुम्हारी नौकरी का सवाल है। बाहर में गई नौकरी, जब देखो टेलीग्राम भेज देते। तुम खुद जाकर अपने बॉस को बताओ कि कल हमारी शादी है, ऐसे मौके पे तो पत्थर दिल को भी रहम आ जाता है। तुम बहुत भोली हो राधा, सब लोग तुम्हारी तरह नहीं है, ये बड़े लोग बड़े पत्थर दिल होते हैं। कोशिश तो करो। तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? अगर उसने मुझे छुट्टी ना दी तो यकीन करो मैं नौकरी छोड़कर चलाऊंगा। ओहो विकी, तुम जाओ तो तुम्हें छुट्टी जरूर मिल जाएगी। मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा, आओ ना, भूल जाओ नौकरी को। पहले तुम ड्यूटी पर तो जाओ, चार घंटे लगेंगे तुम्हें पूना पहुंचते। अच्छा पप्पी दे दो। अब ये सब शादी के बाद। ओके, अब तुम शाम को दुल्हन बनके तैयार है ना, मैं पंडित को साथ लेकर आऊं। सच? फूल वाला, हमारा बुके तैयार है। अभी तैयार करता हूँ, इन मेम साहब काम जरूरी था, आज इनकी शादी है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आई एम उषा, मेरा नाम राधा है। आप क्या काम करती है मिस राधा? कुछ भी नहीं, आई एम इन एडवर्टाइजिंग बिजनेस। आप मॉडलिंग करना पसंद करेंगी? जी नहीं, शायद मेरे हस्बैंड मेरा मॉडलिंग करना पसंद ना करें। एनीवे, अगर कभी इरादा बदल जाए तो ये मेरा कार्ड है। थैंक यू। ये लीजिए मैम साहब, आपका बुक। गुड लक, बाय बाय।
आखिर विकी आया क्यों नहीं? भगवान न करे कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। हेलो, डायरेक्टर इंक्वायरी, आप जरा प्लीज टाक ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड पूना का नंबर देंगे? जी हाँ, पूना जी, इस नाम की कोई कंपनी नहीं है। थैंक यू। बैठो। आप कुछ लेंगी, बियर विस्की वगैरह? जी नहीं। आप मुझे मिस्टर विकी कपूर के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर वो किसी लड़की से कह रहा होगा। यह बेडरूम, यह बेड, यह मैं और यह आप। और फिर उसके बाद उसने गाना गाया होगा, कमरे में बंद सोनिए, और फिर उसने तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी की होगी, और तुमने कहा होगा शादी के बाद, और तुम्हें वो पंडित के यहाँ शादी की तारीख निकलवाने के लिए ले गया होगा, और फिर वो तुम्हारे लिए शादी का चोड़ा लेकर आया होगा, और उसके बाद तुम दोनों शादी से पहले ही शादी शुदा हो गए होगे। क्यों? शादी से ठीक एक दिन पहले एक टेलीग्राम मिला होगा, इसमें लिखा होगा कि तुम फॉरन ड्यूटी पर आ जाओ, और उसने तुम्हें तसल्ली दी होगी कि वो कल शादी के वक्त से पहले जरूर लौट आएगा, और तुम दुल्हन बनी उसका इंतजार करती रही होगी, मगर वो लौट कर नहीं आया होगा। इससे पहले भी वो यही खेल इनकी एक सहेली के साथ खेल चुका है, और उस बेचारी को खुदकुशी करनी पड़ी क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। कहीं तुम तो उसके बच्चे की माँ नहीं बनने वाली हो? नहीं। वफा का नाम कोई भूल कर नहीं लेगा, तेरे सुलूक ने चौंका दिया जमाने को। वो बेवफा विकी, मैं नहीं जानती थी तेरी मासूम मुस्कुराहट जहर भरी है। तूने झूठी मोहब्बत जताकर मेरी वफा का गला घोट दिया। अब चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मैं तुझे जिंदगी के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दूंगी जहां हालात तुझे जीने नहीं देंगे और मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। You said you are miss? जी। लेकिन आप तो मां बनने वाले। जी नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे इस पाप से बचा लीजिए। आप चाहे तो अबॉर्शन किया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। नर्स, ऑपरेशन की तैयारी करो। अब आप शाम तक आराम कीजिए और बिस्तर से बिल्कुल नहीं हिलिए, हैं? बी ए गुड गर्ल। आप मॉडलिंग करना पसंद करेंगे? ये मेरा कार्ड रख लीजिए। उषा स्पीकिंग, मैं राधा बोल रही हूँ। आपको फूल की दुकान पर मिली थी, पहचाना आपने? थैंक यू उषा जी,
आपने मुझे मॉडलिंग के लिए कहा था ना, मैं तैयार हूं। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच। अरे आओ आओ, तुम भी आओ। तुम दोनों ने अपने बाप का घर समझ रखा था? अडवाणी को खोटा चेक दे के बोलता है कि जितना चाहे रुपया भर लो। अरे किधर चिट्टर विक्की, किधर है? जी मुझे नहीं मालूम। अरे नहीं मालूम है तो अपना सामान उठाओ और मेरा फ्लैट खाली करो। जाओ निकलो, हल्लो। जी। अरे जाओ निकलो इधर से, नहीं जाएगा तो पुलिस को बुलाएगा। मैम साहब, ये बंबई है, यहाँ गिरने वाले को कोई नहीं संभालता। ये तो नादान है जिसने सहारा दे दिया। फरमाइए कहाँ जाना है? जुहू के किसी होटल में। आइए बैठिए, आइए, चल बेटा।
हर दिल में किसी के प्यार नहीं, बस वफा की बातें करते हैं पर कोई किसी का यार नहीं। बेवफा है क्यों सब लोग यहाँ, बेवफा है क्यों सब लोग यहाँ, जान मुरब्बत कहाँ गई, जान मुरब्बत कहाँ गई। अरे देख ली तेरी बम्बई, रोज मुसीबत यहाँ नहीं, पत्थर दिल इंसान यहाँ, जान मोहब्बत कहाँ गई, हाय हाय जान मोहब्बत कहाँ गई। अरे देख ली तेरी बम्बई, रोज मुसीबत यहाँ नहीं, पत्थर दिल इंसान यहाँ, जान मोहब्बत कहाँ। ओके सर। यस, मैं मिस उषा से मिलना चाहती हूँ। आपका नाम? राधा। मिस उषा, मिस राधा आपसे मिलना चाहती हैं। प्लीज सेंड हर इन। दिस वे मैडम। थैंक यू। हाय राधा, कम इन, वेलकम, कम सिट डाउन। यू वेरी लकी राधा, हमने तुम्हें बजाज इलेक्ट्रिकल्स की एड फिल्म के लिए मॉडल चुन लिया है। थैंक यू वेरी मच। और कल ही तुम्हारी शूटिंग है। ऑल राइट राधे, रेडी? यस सर। स्टार्ट साउंड रोलिंग। हिट फाइव। सर, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? आपकी पत्नी ने भेजा है ना? 2 महीने हो गए शादी को, तब से ये खाना खा रहा हूँ, अब नहीं खाया जाता। क्यों सर? अपने से मसाले, कच्ची सब्जियाँ, बेस्वाद, कैसे खाऊं? कोई बात नहीं सर, आप मेरा खाना खा लीजिए। खाइए सर। वेरी नाइस। आ गए आप? हाँ। आज अपने दफ्तर में खाना नहीं खाया? नहीं। खाना लगाओ। मुझे भूख नहीं है। वी शैल सून लुक इनटू द मैटर एंड राइट टू यू। पिंकी, लंच टाइम हो गया। पिंकी, आई आई। What sir? Nothing. खाइए ना, आपको मेरी कसम, खाइए ना। स्वादिष्ट खाना बनाने का राज मैंने जान लिया है। किससे? इनसे। मैंने इन्हें बताया कि बजाज अप्लायंसेस से खाना स्वादिष्ट और जल्दी बनता है। बजाज अप्लायंसेस? ये है बजाज प्रेशर कुकर, समय और ईंधन की बचत के लिए। और ये है बजाज मिक्सर, खूबसूरत और भरोसेमंद। और ये है बजाज ओवन, बेक डिशेस के लिए। आज ही खरीदिए, बजाज ही खरीदिए। वेरी गुड, यू हैव डन वेरी वेल मिस राधा। थैंक यू। मिस उषा। यस सर। इस फिल्म को आप ऑल इंडिया रिलीज करवा दीजिए। यस सर। मुबारक हो अंकल। जीती रहो बेटी। मुबारक हो आंटी। इनसे जीती रहो मीना। ये मिस्टर विक्रम कपूर हिंदुस्तान के मशहूर पायलट में से एक है। हेलो। हेलो। मीना बेटी, क्या पियोगी? जी कुछ भी। वेटर, आइए आइए राय साहब, आइए लीजिए। थैंक यू। आइए जी। सी, तो आप चाहती हैं इस पायलट का पता लगाया जाए कि वो कहाँ है, कैसा है? यस।
It's fine. 5,000 rupees is my fees or traveling expenses alag. ये लीजिए 10,000. मुझे एक हफ्ते में मिस्टर विक्रम कपूर की पूरी जानकारी चाहिए. मिल जाएगी. हेलो, मीना हियर. विकी. ओह, हेलो मिस्टर विकी. बहुत जोरों की भूख लगी है और खाने को मन नहीं कर रहा. क्यों? अकेले खाने की आदत नहीं है. आप आ जाए तो बात बन जाए. जी अच्छा, कहाँ हैं आप? वही जहाँ पहली मुलाकात हुई थी, जू होटल. हेलो मिस्टर विकी. हेलो, वेलकम. मैंने आपको तकलीफ दी? जी नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? अगर आपको तकलीफ नहीं होगी तो मेरी आदत खराब हो जाएगी. वो कैसे? भूख तो रोज ही लगती है और रोज ही आपको आना पड़ेगा. आएंगी ना? जब जब आप बुलाएंगे हम चले आएंगे. तो फिर आइए. आइए. मिस्टर विक्रम कपूर नेशनल एयरवेज में, जो एक प्राइवेट एयरलाइन है, पायलट की हैसियत से काम कर रहा है, खुश है. आज उसने ऑफिस से छुट्टी ली है और मीना नाम की एक लड़की के साथ जुहू के एक होटल में लंच खाते देखा गया है. मीना? जी हाँ, मीना. क्या नेशनल एयरवेज से मिस्टर विक्रम कपूर को नौकरी से निकाला जा सकता है? दुनिया में हर एक चीज की कीमत है मैडम. कीमत मिल जाएगी. नौकरी से निकलवा दिया जाएगा. थैंक यू. एट योर सर्विस. मिस्टर विकी, मिस्टर नंदा ऑफिस में बुला रहे हैं आपको. ओके मिस्टर नंदा, बाय. बाय एंड थैंक्स. आपने मुझे बुलाया मिस्टर नंदा? यस मिस्टर विक्रम कपूर, आपको नौकरी से निकाल दिया गया. लेकिन क्यों? क्यों? मिस्टर विक्रम कपूर, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि बॉस के साले को पायलट रख लिया गया है तुम्हारी जगह पर. मिस्टर नंदा, तुम्हारा बॉस समझता है कि उसका साला मुझसे बेटर पायलट है? मैं सिर्फ इतना जानता हूं मिस्टर विक्रम कपूर कि वो बॉस का साला है, तुम नहीं. तुम मुझसे जलते हो नंदा, ये सब तुम्हारी चाल है. हेल्प विद यू, टू हेल्प विद योर बॉस एंड ब्लडी बॉस का साला. आप तो बेस्ट पायलट्स में से. एक नौकरी गई तो क्या, दूसरी मिल जाएगी. मीना जी, मिलेगी जब ना. अभी तो नौकरी भी गई और मकान भी गया. अगर आपको एतराज ना हो तो आप हमारे घर रहिए. जी जी, चलिए. चलिए. आप बैठिए, मैं भी आई. जी दे. सोफा, डाइनिंग टेबल, ये मैं और ये आप. क्या देख रहे हैं आप? हुँ? जी बहुत खूबसूरत है आपकी तस्वीर. शुक्रिया. लीजिए. घर में कोई और नहीं है? आपकी मम्मी डैडी वगैरह? पिछले साल कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी डैडी का स्वर्गवास हो गया. तब से इस दुनिया में अकेली हूं. ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ मीना जी. एक नौकरानी है, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई है छुट्टी पर. आप मैगजीन वगैरह पढ़िए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ. अगर आपको एतराज ना हो मैं भी आपका साथ दूं. ये क्या कह रहे हैं आप? आप तो मेरे मेहमान हैं. मेहमान कहकर दूर मत कीजिए. ठीक है, जैसी आपकी मर्जी. आइए. ये रही सब्जियां. कौन सी सब्जी पसंद है आपको? मीना जी, ये भिंडिया जरूर बनाइएगा. अच्छा, अंग्रेजी में क्या खूबसूरत नाम है इनका, लेडी फिंगर. बिल्कुल आपकी खूबसूरत उंगलियों की. मीना जी,
आपकी इस खूबसूरत उंगली को मेरी नजर लग गई। छोड़िए भी। खाना बनाए? जी। वाकई आप बहुत खूबसूरत हैं मीना जी। जी, कुछ कहा आपने? जी, नहीं तो? आज पहली बार अकेलापन नहीं लग रहा, आपका आना बहुत अच्छा लगा। जी, कुछ कहा आपने? जी, जी नहीं तो? मगर आप क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ आपके पहनने के लिए मेरे पास एक ड्रेस जरूर होगी आपके पास, जिसे मर्द औरत दोनों पहन सकते हैं। लुंगी कुर्ता है आपके पास? जी है, लाइए। ये लीजिए। थैंक यू। आइए आपको सोने का कमरा बता दूं। चलिए। आइए, ये आपके सोने का कमरा, आप यहां आराम कीजिए। जी। आपकी खूबसूरत उंगलियों की तरह। कमरे में बंद सोनिए तुझे जिस घड़ी रब ने बनाया, ते सोचा विच रब पे गया दूजा चांद कहां से चढ़ आया। ओ कमरे में बंद सोनिए सुनिए जी, आपको यहाँ कुछ मिला? क्या? कहाँ खो गया? कोई आया तो नहीं? जी नहीं। तो फिर घर में आप हैं और मैं? जी हाँ। तो फिर कौन ले गया? क्या? मेरा दिल किसने लिया, हाय मेरा दिल किसने लिया, नाम बताऊं किसका, मैं हूँ या आप हैं, घर में कोई आया न गया। मेहमान बना करके दिल को लूट लिया, फर्ज मेहमान नवाजी का अदा खूब किया, क्या करें तुमसे गिला हमसे बचाया न गया।
तेरा दिल किसने लिया, नाम बताऊं किसका, मैं हूँ या आप है, घर में कोई आया न गया। ये सब शादी के बाद। बस चले पंडित के पास। पंडित के पास नहीं, हम सिविल मैरिज करेंगे। विकी कपूर क्या सोच रहा है? खाने को रोटी, रहने को मकान, रोमांस करने के लिए खूबसूरत लड़की, और क्या चाहिए तुझे? क्या सोच रहे हैं आप? हम सिविल मैरिज करेंगे। ओके कम थैंक यू। मिस्टर विक्रम कपूर को नेशनल एयरवे से निकलवा दिया गया। वेरी गुड। एक फ्री इंफॉर्मेशन आपके लिए। क्या? आज उसने उसी मीना नाम की लड़की के साथ शादी कर ली। मेरी खुशियों में आग लगाकर खुद खुशियां मना रहा है, मैं तेरी खुशियों को जलाकर राख कर दूंगी। तूने औरत की मोहब्बत देखी है विकी, नफरत नहीं। तुझे बर्बाद करने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं होगा। तू मेरा नहीं हो सका, मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। I hate you। विक्रम कपूर को कहीं भी नौकरी ना मिले, ये जरा मुश्किल काम है। मगर ऐसा ही होना चाहिए, उसे हिंदुस्तान की किसी भी एयरलाइन में काम नहीं मिलना चाहिए। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी, और इतना पैसा खर्च करना आप जैसी मॉडल के लिए नामुमकिन है। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, आप काम जारी रखिए। वेरी वेल, एनीथिंग यू से। हेलो राधा। हेलो। मुबारक हो, एक ही एड फिल्म से तुम्हारे पास ढेर सारे ऑफर्स आ गए।
उषा, क्या मॉडलिंग में मुझे इतना पैसा मिल सकता है कि मैं एक हवाई जहाज खरीद सकूं? हवाई जहाज खरीदने की क्या जरूरत है, जिसके पास अपना हवाई जहाज हो ऐसा कोई ढूंढ ले। एक्सक्यूज मी, यस, ओ जुबेदा, हेलो। हाँ, और कौन कौन आ रहा पार्टी में? मिस्टर आर के, वेरी गुड। अच्छा लिसन, मेरी एक फ्रेंड है राधा, कैन आई ब्रिंग हर अलोंग? यू डोंट माइंड? थैंक यू। किसका फोन था? मेरी एक फ्रेंड है जुबेदा, आज शाम उसके यहाँ पार्टी है, मिस्टर आर के भी आ रहे हैं वहाँ। ये मिस्टर आर के कौन है? एक बेपनाह दौलत का मालिक, जिसके पास एक नहीं कई हवाई जहाज है। एंड यू नो ही इज नॉट मैरिड। रियली? लेकिन उसने अब तक शादी क्यों नहीं की? सुना था एक लड़की ने उससे बेवफाई की और उसकी ढेर सारी दौलत लेकर भाग गई। सिंस दैट डे ही हेट्स वुमेन। उसकी नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगी। पार्टी कितने बजे है? ओहो, तू तो ऐसी बेचैन हो रही है जैसे तुझे देखते ही दीवाना हो जाएगा। अरे एक नजर हमें देखेगा तो खुद ब खुद दीवाना हो जाएगा। ने संभाल अपने दिल की धड़कनों को, देख वो आ गया। गुड इवनिंग मिस्टर आर के। गुड इवनिंग मिस्टर मुस्लिम। वेलकम सर, वेलकम। मीट माय वाइफ सर। हेलो। हेलो, हाउ डू यू डू? मिस्टर मुस्तफा, हमें अफसोस है कि हम आपकी पार्टी पे ज्यादा रुक नहीं सके। बाहर से एक डेलीगेशन आया हुआ है, उसके डिनर पे जाना बहुत जरूरी है। हमने आपसे वादा किया था कि आएंगे, तो वादा ही क्या, तो वफा ना हो। हमें उस खुदा की तलाश
आपकी आवाज के दर्द में जैसे वक्त की रफ्तार को रोक दिया हो। जाते जाते हमारे कदम इस तरह रुक गए जैसे अपने पांव पे इख्तियार ना हो हमें। लेकिन ये कैसी दुआ, कैसा ना खुदा, कैसी दवा की तलाश है आपको? जिंदगी से इतनी नफरत क्यों? जिंदगी में जब मोहब्बत ना मिले तो नफरत को ही गले लगाना पड़ता है। मोहब्बत कोई भीख नहीं जो मिल जाए, मोहब्बत तो की जाती है। जी नहीं, मोहब्बत हो जाती है। तो आपका मतलब यह है कि आज तक आपको कोई मोहब्बत के लायक मिला नहीं? बस यूं ही समझ लीजिए। लायक मिला नहीं या लायक समझा नहीं? मोहब्बत को समझना है तो पहले खुद मोहब्बत कर। किनारे से कभी अंदाजा ये तूफान नहीं होता। वाह, आज जिंदगी में कोई ऐसा तो मिला जिसने मेरे सोचने का अंदाज बदल दिया। शुक्रिया। अगर इजाजत हो तो जीने का अंदाज भी बदला जा सकता है। वो दिन मेरे लिए जिंदगी का खुशनसीब दिन होगा। तो कभी गरीब खाने पर तशरीफ लाइए, हमारी खुशनसीबी होगी। आप बुलाएं और हम ना आए। शुक्रिया, हम आपका इंतजार करेंगे। आपका वेलकम करते हैं और सलाम के साथ ये तोहफा आपकी नजर करते हैं। इस खूबसूरत तोहफे के लिए आरके साहब को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिए और इसे बाइज्जत उन्हें वापस कर दीजिए। जी जी, ओके मैम। शायद वो तोहफा उनकी शान में छोटा था। ये ले जाओ। यस सर। क्या इन पत्थरों की दीवारों में हर चीज की कीमत पत्थरों से लगाई जाती है? हमने तो सुना था इन पत्थरों के बीच एक धड़कता हुआ दिल भी रहता है। आर के साहब से कह दीजिए हम इन पत्थरों की चाहत नहीं। ठीक है मैडम। सकते हैं। प्लीज कम इन।
हमें खुशी हुई ये जानकर कि आपको पत्थरों की भी किसी धड़कते हुए दिल की तलाश है। क्या हम अपना धड़कता हुआ दिल इस नाजुक फूल की शक्ल में पेश कर सकते हैं? आना बुरा लगे हमको, खुदा करे वो जिंदगी का आखिरी दिन हो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इतनी तारीफ मत कीजिए, आखिर इंसान ही तो है, कहीं बहक न जाए। जिंदगी बहकने से बहुत हसीन हो जाती है आरके साहब, होश का जीना बहुत तकलीफ देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये होश ही तो है जो हमें आपसे अभी तक दूर रखे हुए। अपने आप को होश से बेगाना कर दीजिए आरके साहब। कैसे? ऐसे। क्या ये रुपए उसकी जिंदगी की सारी खुशियां छीनने के लिए काफी है? इस ब्रीफकेस के बंद होने के साथ आप ये समझ लीजिए उसकी जिंदगी की खुशियों के सब दरवाजे बंद हो गए। गुड। वेलकम। बड़ी देर लगा दी जान, हम बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। सॉरी डार्लिंग, कार से जो गई थी। सॉरी, वेरी सॉरी। आइंदा हम आपको अपने एरोप्लेन में खुद ले जाया करेंगे। इनसे मिलो, ये है मिस्टर रणधीर, हमारे को पायलट। हेलो मैडम। हेलो। एक्सक्यूज मी सर, मे आई टेक लीव सर? ओके रणधीर, बाय बाय सर। बाय बाय मैडम। बाय। लेकिन आप हमें कहाँ कहाँ ले जाएंगे डार्लिंग? जहाँ आप कहें, सारी दुनिया में। अगर आप अपने बिजनेस के सिलसिले में बिजी हुए तो फिर? तो फिर कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक नया पायलट रखेंगे। थैंक यू डार्लिंग। मीना, ना जाने कौन दुश्मन की तरह मेरे पीछे पड़ा है, जहां भी जाता हूँ काम खराब कर देता है। ऐसे ऐसे डफर पायलट्स को काम मिल जाता है और मुझे नहीं। डोंट वरी डार्लिंग, मिल जाएगी नौकरी, और ना भी मिली तो क्या, सब कुछ तो है हमारे पास। ओ डार्लिंग, आई लव यू। घर चले? चलो, कम कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। टाइगर, ये क्या टाइगर टाइगर लगा रखा है, ये भी कोई नाम है? हम रखेंगे इसका नाम, आज से हम इसे विकी कह के पुकारेंगे। क्यों विकी, नाम पसंद आया? विकी। यस। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, जल्दी आओ। कमिंग। विकी, ये देखो तुम्हारे लिए खुशखबरी। क्या डाले? पायलट्स की वॉन्ड निकली है, तुम जाकर ये एप्लीकेशन दे दो, मुझे पूरा यकीन है ये नौकरी तुम्हें जरूर मिल जाएगी। ओके डाले। जाओ ना अभी विकी। Good morning. Good morning. I'm Captain Vikram Kapoor. Yes, Mr. RK is expecting you. Philip, in a conference room mein le jao. Thank you. It's all right. Good morning, sir. Good morning. Mr. Vikram Kapoor, tumhara record bahut kharab hai. जी, तुमने नेशनल एयरवेज के मैनेजर को इसलिए मारा, उसके मालिक ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। Isn't it a misbehavior? लेकिन आप कैसे जानते हैं सर? तुम्हें अपना पायलट बनाने से पहले तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। उसके बाद
तुम डेविड हेवे से निकाल दिए गए, फिर मित्तल हेवे से निकाल दिए गए, राइट? लेकिन सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर है, क्योंकि तुम्हारा करैक्टर ठीक नहीं। तुम एक बेहतरीन पायलट हो, इसी वजह से तुम्हें हमने यहां बुलाया है। अगर तुम हमारे यहां काम करना चाहते हो तो एकदम डिसिप्लिन से काम करना होगा। मैडम हमारी जिंदगी है, हमारा सब कुछ, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। यू आर गोइंग टू फ्लाई हर, अंडरस्टैंड? यस सर। मिनल, इन्फॉर्म मैडम पायलट कम्युनिटी पैलेस, उनसे कहो इसका फ्लाइंग टेस्ट ले लें। ओके? आज कितने दिन बाद देखेगी तू उसे, पता नहीं उस बेवफा को तेरी शक्ल भी याद होगी या नहीं, मगर मैं उसे सब कुछ याद दिला दूंगी। कमल विकी, स्टे। लता? यस मैम। आज एक पायलट आ रहा है, मैं उसे स्विमिंग पूल पर भेजूंगी। इस कुत्ते विकी को उस पर छोड़ देना। ओके मैम। This is Mr. Kapoor, madam, new pilot. हम जानते हैं। राधा? नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे हो सकती है? Good morning, madam. Mr. RK ने भेजा है, आपको फ्लाइट टेस्ट दे दो। शेखर, इस नए पायलट को स्विमिंग पूल पर बिठाओ और कुछ पीने को दो, हम तैयार होकर आते हैं। Yes, madam. शेखर। यस सर। ये मैडम आरके साहब की बीवी है। मिस्टर आरके को पसंद नहीं कि मैडम के बारे में कोई सवाल करे, प्लीज कम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। पायलट से कहो कि हमें टेक ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं आया, शायद इन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है।
एक्सक्यूज मी मैडम, आपको लैंडिंग पसंद आई? रणधीर, इस नए पायलट की जरूरत कैसे हुई हमसे बात करने की? इससे कहो जब तक हम कोई सवाल ना करें अपनी जबान बंद रखें, अंडरस्टैंड? मिस्टर विक्रम, मैडम तुम्हारे फ्लाइंग टेस्ट से बहुत खुश है। रियली? थैंक यू मैडम। मगर तुम्हारे बिहेवियर से बहुत नाराज है। आई एम सॉरी सर। मिस्टर विक्रम, मैडम की मेहरबानी से तुम्हारी जिंदगी बन सकती है, और ना मेहरबानी से ना सिर्फ तुम नौकरी से जाओगे बल्कि आर के ऑर्गेनाइजेशन से निकाले हुए आदमी को सारे हिंदुस्तान में कोई नौकरी नहीं मिलती। अंडरस्टैंड? यस सर। हम थोड़े दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं। हमारी गैर मौजूदगी में मैडम को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। यू मे गो नाउ। गुड बाय मैडम। गुड बाय सर। जान, हम चाहते तो नहीं कि अमेरिका अकेले जाए, मगर वहां कॉन्फ्रेंस में इतने बिजी रहेंगे कि आप होटल में बोर हो जाएंगे। डाले फिर कभी सही। आप अमेरिका जाके हमको भूल तो नहीं जाएंगे? भूलते तो वो हैं जान जो अकेले जाते हैं। आप तो हर लम्हा हमारे साथ रहेंगे। वो कैसे? दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ओह डार्लिंग। आरके साहब के घर में जो मैडम रहती है वो कब से है? कुछ दिनों से। क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ, एक मशहूर मॉडल थी। मिस्टर आरके की नजर उन पर मेहरबान हो गई और उसे दिल में बैठा लिया। क्यों, क्या तुम भी कुछ जानते हो उसके बारे में? नहीं नहीं, मैडम आज पुणे जाना चाहती है। एयरपोर्ट से खबर मिली है कि मौसम बहुत खराब है, पूरी विजिबिलिटी। चलो मैडम को खबर कर दे। कमल इसको। चलो। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून रणधीर। मैडम वो रणधीर, इस नए पायलट ने हमको सलाम क्यों नहीं किया? इसलिए कि मैंने कई बार आपको गुड मॉर्निंग कहा लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। हम जवाब दे या ना दे, तुम्हारा फर्ज है हमको सलाम करना। अंडरस्टैंड? सॉरी मैडम। गुड आफ्टरनून। दैट्स बेटर। हाँ रणधीर, क्या कहना चाहते थे? मैडम मौसम बहुत खराब है, आप पुणे जाना कैंसिल कर दीजिए। हमारा पुणे जाना बहुत जरूरी है। मगर इतने खराब मौसम में जाना खतरनाक है मैडम। रणधीर, खराब मौसम से डरने वाला पायलट हमें नहीं चाहिए। इनसे कहो अगर काम करना है तो एयरक्राफ्ट तैयार रखें, हम अभी एयरपोर्ट आते हैं। Come on, Rindy, let's go. मैडम को बोलो मौसम बहुत खराब है, हमें लौट जाना चाहिए। मैडम मौसम बहुत ज्यादा खराब है, हमें फौरन लौट जाना चाहिए। Keep flying, गंभीर, हमें पुणे पहुंचना है। मैडम हमारी जान का खतरा है। रणधीर, इससे कह दो इसकी जान से ज्यादा हमारी जान कीमती है। हमारा पुणे पहुंचना बहुत जरूरी है। Keep flying. विकी, मैं तुम्हारे साथ जी तो नहीं सकी लेकिन मर तो सकती हूँ। खुदा करे
आज सातों आसमानों में इतना तूफान उमड़े कि तुम अपनी जिंदगी की भीख मांगो और मैं मौत की दुआ। सॉरी मैडम, आपके पायलट के लिए कोई रूम खाली नहीं। वेरी गुड, तो उनसे कहो जाके कार में सो जाए। मैडम ने क्या बोला? मैडम कहते हैं आप कार में जाके सो जाए। व्हाट? यस सर। क्या हुआ? वेट, क्यों आए हो यहाँ? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम नहीं, आप कहो, जानते नहीं किससे बात कर रहे हो? मिस्टर आर के की से। कहो क्या कहना चाहते हो? मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया जा रहा है? कैसा सुलूक? हम तुम्हारे साथ वैसा ही सुलूक कर रहे हैं जैसा एक मालिक अपने नौकर के साथ करता है। नहीं, ये नौकर और मालिक का सुलूक नहीं है। मुझे हर वक्त बेइज्जत किया जाता है। शायद तुम इसी लायक हो। What? Don't shout. मैं जानता हूं तुम राधा हो और इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। कौन सी राधा? किस राधा की बात कर रहे हो? उसी राधा की जो आज मिस्टर आरके की कीप बनकर मेरे सामने खड़ी है। शायद तुम उस राधा की बात कर रहे हो जिसे तुमने दुल्हन का सपना दिखाकर उसका सब कुछ लूट लिया, जो अपने पायलट के एक वादे पर सुहाग का जोड़ा पहने फूलों की सेज सजाकर रात भर उसका इंतजार करती रही, लेकिन उसका पायलट नहीं आया। आज तक उस राधा ने सुहाग के जोड़े को कलेजे से लगाकर इसीलिए रखा है कि न जाने जिंदगी के किस मोड़ पर उसका पायलट उसे फिर मिल जाए। ये रही उस राधा की कलाइयां जो आज तक सुहाग की चूड़ियां पहनने के लिए तरस रही हैं, और ये रहे उसके हाथ जिन पर मेहंदी लगाने का बड़ा अरमान था, लेकिन उस राधा ने इन्हीं हाथों से अपने पायलट के होने वाले बच्चे का खून कर दिया। I'm sorry, राधा। किसे छूने की जरूरत कर रहे हो? आरके की कीप को? जानते हो इसका अंजाम तुम्हारी मौत हो सकती है। I'm sorry, राधा। समझने की कोशिश करो, मैं मजबूर था। मुझे तुम्हारी सब मजबूरियां पता है। मीना से मोहब्बत, फिर शादी, यही थी ना तुम्हारी मजबूरी? हाँ, ना जाने कौन यमदूत की तरह मेरे पीछे पड़ गया। एक के बाद दूसरी नौकरी जाती रही और फिर और कोई काम नहीं मिला, तो मजबूर होकर मैंने मीना से शादी कर ली। तलाक दे सकते हो मीना को? तलाक? हाँ, अब क्या मजबूरी है तुम्हारी? मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं ऐसी हजार मीना खरीद सकती हूँ। लेकिन तुम तो आरके की कीप हो, यही कहना चाहते हो ना? आरके मेरे लिए तुम तक पहुँचने की सीढ़ी के सिवा और कुछ भी नहीं। विकी, मैंने मोहब्बत सिर्फ तुमसे की है। सच राधा? हाँ, ये राधा आज भी तुम्हें मिल सकती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देना होगा।
अगर उसने ना माना तो? उसे मनवाना तुम्हारा काम है। फिर तुम आरके को छोड़ दोगी? मैं आरके की कीप हूँ, बीवी नहीं। दुनिया का कोई कानून मुझे आरके के साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकता, मगर तुम्हें मेरे लिए मीना को तलाक देना ही होगा। मैं मोहब्बत के नाम पर जीऊंगी विखे, और मोहब्बत के नाम पर मर जाऊंगी। हाय डार्लिंग। क्या बात है विकी? आज ये बनाव सिगार किस लिए? आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज या शौक? शौक? ये क्या कह रहे हो विकी? सही कह रहा हूँ, आज तुम्हारे मेहमान आएंगे, तरह तरह के तोहफे लाएंगे, और मैं बेचारा एक मजबूर तुम्हारी मेहरबानी में पलने वाला, भला मैं तुम्हें क्या तोहफा दे सकता हूँ? यहाँ कोई मेहमान नहीं आएगा ना कोई तोहफा लाएगा। मेरे सबसे खास मेहमान भी तुम हो, और बेशकीमती तोहफा भी तुम। अच्छा ये बताओ, मैं कैसे लग रही हूँ? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हर वक्त तुम्हारी तारीफ करता रहूं। मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ। जी। खाना क्या बनाया? तुम्हारी मनपसंद लेडी फिंगर यानी के भिंडी और दाल। अरे हाँ, खीर भी बनाई, अभी लाई। मीना, अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत हो गई है कि मैं मर जाऊं, तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कह देती? मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो विकी? कहने की और रह क्या गया? जहर ना खिलाया, कॉकरोच खिला दिया। कॉकरोच? इतनी भोली मत बनो मीना, जैसे कॉकरोच तुमने नहीं मैंने डाल दिया दाल में। अब मुझे यकीन आ गया, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। लगता है कोई और मुझसे अच्छा तुम्हारी जिंदगी में आ गया है। नहीं विकी, नहीं। नहीं, नहीं क्या? साफ कह दो, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हें मुझसे अलग होने के लिए कोर्ट में जाने की तकलीफ ही नहीं उठानी पड़ेगी। मैं तुम्हें खुद तलाक दे दूंगा। मुझ पर बेवफाई का इल्जाम न लगाओ विकी। तुम्हारे आंसू मेरे पांव की जंजीर नहीं बन सकते मीना। मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। I am going. विकी, ठहरो विकी, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। भरी बरसात में दिल जलाया, रे जा तेरा
विकी, ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। मीना, गुस्से में इंसान शैतान हो जाता है और फिर गलती तो भगवान से भी हो जाती है। मैं तो इंसान हूं, आई एम सॉरी डार्लिंग, प्लीज। तो तुम्हें मीना से तलाक नहीं मिल सकता? बहुत मुश्किल है। मुश्किल आसान हो सकती है विकी। कैसे? उसे हमेशा के लिए। क्या मतलब? खत्म कर दो। हाँ विकी, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। क्या तुम हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकते? सोच क्या रहे हो विकी? Do it for me, for my love. Yes, राधा, वही होगा जो तुम चाहती हो। क्यों ना कुछ दिनों के लिए बाहर चले, घूमना फिरना भी हो जाएगा और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारी नौकरी लगी है। मारो गोली नौकरी को, क्या तुमसे अच्छी है नौकरी? अच्छा, जैसा तुम कहो। बेटी जी, बेटी जब कश्मीर तक आई हो तो बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद लिए बिना मत जाना। ये बाबा भूतनाथ कौन है? भूतनाथ जो अनहोनी को होनी कर दे और होनी को अनहोनी। बेटी, तुम्हारे माते की लकीरें बता रही हैं कि तुम बोलिए ना, आप चुप क्यों हो गए? कि तुम मां नहीं बन सकते। ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? ये सब भाग की बात है बेटा, आज अमावस की रात है। अगर तुम आज रात को 9 बजे के बाद काली पहाड़ी पर जाकर बाबा जी का आशीर्वाद ले लो तो अगले साल ही मां बन जाओगी, वरना बच्चा तुम्हारी किस्मत में नहीं। जय भोलेनाथ। अरे डार्लिंग, परेशान क्यों हो रही हो? ये सब पंडित लोगों का नाटक है। कम ऑन, इसको तैयार हो जाओ, बाहर चलते, कुछ जलवे शलवे करते। अरे, इतने खूबसूरत चेहरे पे ये परेशानी क्यों है? कहीं उस पंडित की बात से परेशान तो नहीं हो? हाँ विक्की, हमें बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। ओ मीना, मुझे इन पंडितों में बिल्कुल विश्वास नहीं है। प्लीज विक्की, मेरी खातिर। बस ये बात है, तुम्हारी खातिर शाम खराब कर लेते, जल्दी तैयार हो जाओ। माय लव, आई लव यू, आई लव यू। और कितनी दूर है विक्की? बस थोड़ी दूर है। अच्छा एक बात बताओ मीना,
पावा भूताल से क्या मांगोगी, बेटा या बेटी? बेटा। मुझे बेटी चाहिए। नहीं मुझे बेटा चाहिए। फिर ठीक है तुम जाओ, मैं वापस जाता हूँ। अरे अरे तुम तो नाराज हो गए। अच्छा बाबा मैं दोनों मांगूंगी, बेटा भी और बेटी भी, जुड़वा ट्विंस। वापस चले? नहीं नहीं अब और कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर है, शायद आगे चलकर आश्रम दिख जाए। चले कम लेट संभाल के, गड्ढा है। विकी प्लीज टॉर्च ऑन करो ना, बड़ा अंधेरा है विकी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ विकी। डर गई? विकी प्लीज मुझे मत सताओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है विकी। अरे डार्लिंग हम जो तुम्हारे साथ हैं, डरती क्यों? कम कम ले इसको, कम। विकी रुक क्यों गए? चलो ना विकी, विकी प्लीज डोंट डू इट, मुझे बहुत डर लग रहा है विकी, मत करो विकी प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है विकी। विकी प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे इतना डर लग रहा है और तुम मुझे सताए चले जा रहे हो। अरे डार्लिंग मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कम ऑन लेट्स गो। क्या हुआ? मीना लगता आश्रम आ गया। अच्छा चलो चलो मीना। पहाड़ी की चोटी से गिरकर खत्म हो चुकी है। अब तक जंगली जानवर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा भी चुके होंगे। पुलिस और कानून के फरिश्तों को भी इस कत्ल का पता नहीं चलेगा राधा। यही उम्मीद थी। अब तो हमारे बीच में कोई दीवार नहीं है, मेरे प्यासे होठों की प्यास बुझा दो। हाँ विकी तुम्हारी प्यास बुझ जाए यही तो मैं चाहती हूँ। You are under arrest. Come on. पुलिस? मैंने बुलवाई। क्यों? एक कातिल को कानून के हवाले कर दी। ब्लडी चीट, कतल मैंने नहीं इसने करवाया इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट हो। शांत विकी शांत, मैं अपने आप को तुमसे पहले ही कानून के हवाले कर चुकी हूँ, इंतजार सिर्फ तुम्हारा था। यू ब्लडी चीट, आई हेट यू, आई हेट यू। कूल डाउन विकी, चलिए इंस्पेक्टर साहब। कम ऑन। वो मोहब्बत तुमने विकी से की और बेवफाई हमारे साथ, तुम बदले और नफरत की आग में इस तरह जलती रहीं कि उसकी चिंगारियां हमारे दामन तक भी आ पहुंची और उन्हीं चिंगारियों ने शोला बनकर मीना को भी खत्म कर दिया। राधा हमने तुमसे मोहब्बत की है और हम अपनी मोहब्बत को इस तरह मिटने नहीं देंगे, तुम्हें बचाने की खातिर हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वो वकील मुकर्रर करेंगे जिसने आज तक कोई केस नहीं हारा। मिस राधा और मिस्टर विक्रम कपूर, आप दोनों पर श्रीमती मीना विक्रम कपूर के कत्ल का इल्जाम लगाया गया है, आप दोनों को अपनी सफाई में कुछ कहना है? योर ऑनर, मैं मिस राधा के केस की पैरवी करूंगा। नहीं जज साहब,
मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं। लेकिन मिस राधा। थैंक यू जज साहब, मीना के कत्ल का प्लान मैंने बनाया और कत्ल विक्रम कपूर ने किया। जब ये सच है तो अदालत का वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? इसी सवाल का मुझे इंतजार था जज साहब, क्योंकि जो कत्ल से भी शर्मनाक गुनाह है उसकी सजा कानून के पास नहीं है। क्या मतलब? मतलब जज साहब, दो प्यार करने वालों के बीच हरम एतबार का एक पवित्र रिश्ता होता है। जब कोई बेवफा उस औरत के हरम और एतबार के पवित्र रिश्ते के साथ बेवफाई करता है तो उस औरत का दिल जख्म से चूर चूर हो जाता है। फिर बेवफाई के वो जख्म रिश्ते रिश्ते नासूर बन जाते हैं और वो औरत तिल तिल करके मर जाती है। मैं आप सबसे और अदालत से ये पूछती हूँ, क्या ये कत्ल नहीं है? क्या ये शर्मनाक गुनाह नहीं है? विक्रम ने भी मेरे अंदर की औरत का इसी शर्मनाक तरीके से खून किया है जज साहब, लेकिन इसकी सजा कानून के पास नहीं है। इसलिए मैंने विक्रम कपूर को कानूनी कातिल बना दिया ताकि मैं अपने अंदर की मरी हुई औरत की बर्बादी का बदला ले सकूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और वो सजा मौत से कम ना हो। हम जानना चाहते हैं राधा कि तुमने अदालत के सामने अपना गुनाह क्यों कबूल किया। हम तुम्हें बचाना चाहते थे और तुमने खुद मौत को दावत दी। तुमने ऐसा क्यों किया राधा, क्यों किया? इसलिए कि विक्की के बगैर जीने का मेरे लिए कोई मकसद नहीं आके साहब। तो फिर वो कौन सा मकसद था जिसने तुम्हें हमारे साथ रिश्ता रखने पे मजबूर कर दिया? मेरी जरूरत, मुझे आपकी ताकत और दौलत चाहिए थी ताकि मैं विक्की से बेवफाई का बदला ले सकूं। राधा, तुम्हारे मुंह से सच्चाई जानकर हमें खुशी हुई। जिस दिन पहली बार तुमने हमारे पैलेस में कदम रखा तो हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी वीरान जिंदगी में बाहर आ गई हो। लेकिन जिस दिन विक्की कपूर पायलट बनकर आए तो हमने तुम्हारी आंखों में एक जहरीली सच्चाई को देखा और हमने जानबूझकर अपनी आंखों पर अनजानेपन की पट्टी बांध ली। हमारा अमेरिका जाना भी एक झूठ था। हम जानबूझकर तुमसे दूर चले गए ताकि तुम्हें पूरी मनमानी करने का मौका मिल जाए। लेकिन राधा, हम तुमसे सिर्फ एक बात पूछते हैं, तुम्हारे साथ बेवफाई विक्की ने की, तुम्हें धोखा विक्की ने दिया। जब तुम्हारा गुनहगार विक्की था तुमने उसकी सजा मासूम मीना को क्यों दी? राधा, जिंदगी भगवान की दी हुई एक अमानत है। जो जिंदगी तुम किसी को दे नहीं सकती उस जिंदगी को लेने का तुम्हें क्या हक था राधा, क्या हक था? मैं विक्की को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती थी आरके साहब। मैंने मोहब्बत सिर्फ विक्की से की है। मोहब्बत? तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है? राधा, मोहब्बत को समझना चाहती हो तो किसी फलों से लदे हुए दरख्त को देखो जिसपे लोग पत्थर फेंकते हैं और वो जवाब में अपने ही फलों से उनकी झोलियां भर देता है। राधा, प्यार करने वाले मांगना नहीं जानते, सिर्फ देना जानते हैं। और प्यार में जो मांगता है वो भिखारी कहलाता है। अब इन बातों से क्या फायदा आरके साहब? कल हमें मौत की सजा हो जाएगी और उसके साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं भी, विक्की भी और बेवफाई भी। राधा, मरकर भी चैन ना आया तो कहां जाओगी? आरके साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे ऐसे पापी के लिए तो मौत की सजा भी बहुत कम है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा विक्की, लेकिन कानून के पास तुम्हारे लिए मौत से बड़ी सजा है ही नहीं। काश तुम्हें सजा देने का हक हमें होता तो हम तुम्हें पश्चाताप की उस आग में फेंक देते जहां तुम जन्म जन्मांतर तक जलते रहते और तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। आरके साहब, क्या मुझे ऐसी सजा नहीं मिल सकती? क्या मुझे पश्चाताप का मौका नहीं दिया जा सकता? आरके साहब, मैं हजार जन्म तक पश्चाताप की आग में जलने के लिए तैयार हूं ताकि मीरा की आत्मा मुझे माफ कर सके। मैं उसे नहीं माफ कर सकती भाई साहब, उसे नहीं माफ कर सकती, नहीं माफ कर सकती। भाई कहती है और भाई को बहन की रक्षा का हक नहीं देती। कैसी बहन हो तुम,
मीना तुम निकी को माफ कर दो, वो तुम्हारा पति है, तुमने उसके साथ शादी की है। हाँ शादी की थी, अदालत में रजिस्टर के एक सफे पे दस्तखत करके जी चाहता है उस सफे पे काली स्याही फेंक दो, अपने हाथों से शादी का गला घोट दो। हाँ तुम ऐसा कर सकती हो, तुम नए जमाने की लड़की हो ना, जिसने शादी भी की तो रजिस्टर के एक सफे पे दस्तखत करके, काश तुमने हिंदू धर्म के मुताबिक शादी की होती, अग्नि के गिर साथ फेरे लिए होते, जहां हर हिंदू लड़की एक एक फेरे के साथ एक सौगंध लेती है, एक वचन देती है। वचन, सौगंध? मीना, जब एक हिंदू लड़की लगन मंडप पे अपने पति के साथ अग्नि के गिर साथ फेरे लेती है तो मन ही मन यूं कहती है, हे मेरे जीवन साथी, मैं आज इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वचन देती हूँ कि तेरे गृहस्थ में तेरे पीछे चलूंगी, तेरे काम और मोह में तेरे पीछे चलूंगी, तेरी संतान के लिए तेरे पीछे चलूंगी, तेरे धर्म में तेरे पीछे चलूंगी, तेरे कर्म में तेरे पीछे चलूंगी, तेरे व्यापार में तेरे पीछे चलूंगी। और फिर सातवें फेरे में अपने पति के आगे चलने लगती है और यूं सौगंध देती है कि जब मौत आएगी ना तो मैं तेरे आगे चलूंगी, क्योंकि वो सुहागन मरना चाहती है। मीना, विधवा शब्द हिंदू नारी के लिए सबसे बड़ी गाली मानी गई है, अगर तुम्हें ये गाली मंजूर है तो मर जाने दो विक्की को, तोड़ के फेंक दो ये मंगलसूत्र, पोंछ दो अपनी मांग से सिंदूर और जी लो एक विधवा की जिंदगी। नहीं भाई साहब, नहीं, मैं विधवा नहीं जीना चाहती भाई साहब, मुझे ये गाली मंजूर नहीं है भाई साहब, मुझे ये गाली मंजूर नहीं है। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले मिसेज मीना कपूर का बयान सुन लिया जाए। मिस्टर आरके, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि मिसेज मीना कपूर का कत्ल नहीं हुआ, वो जिंदा है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं मीना, वो मेरा कत्ल कैसे कर सकते हैं? वो तो मुझे घुमाने ले गए थे कि अचानक मेरा पांव फिसल गया और मैं पहाड़ी से गिरकर बेहोश हो गई, उसी हादसे में मेरे दोनों पांव चले गए। मीना, अगर बेहोशी के आलम में आरके साहब मुझे न बचा लेते तो आज अनाथ हो गया होता, मेरी दुनिया लुट गई होती, मैं बर्बाद हो गई होती। जज साहब, मैं अदालत से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी खुशियां मेरी झोली में डाल दीजिए, मेरा सुहाग मुझे लौटा दीजिए जज साहब, मेरा सुहाग मुझे लौटा। अदालत मिस राधा और मिस्टर विक्रम कपूर को बाइज्जत रिहा करती है। मीना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मीना, मुझे विक्की, नहीं विक्की, नहीं, मेरे पांव छूकर मेरे सिर पर पाप मत चढ़ाओ विक्की, तुम राधा के कसूरवार हो, जाओ उनसे माफी मांगो विक्की, जाओ। हाँ।
मुझे माफ कर दो, प्लीज राधा मुझे माफ कर दो। राधा क्यों राधा, बोलो राधा, राधा